नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत की मदद को आगे आई अमेरिकी कंपनियां, 40 सीओ ने बनाया ग्लोबल टास्क फोर्स। देश में बीते 24 घंटे के बीच कोरोना के 3,23,000 से अधिक नए केस आए सामने। 24 घंटे में 2,771 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। वैद्यकीय शिक्षा मंत्री ने की मेयो मेडिकल की समीक्षा। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती जल्द, ऑक्सीजन निर्मित के बारे में भेजे प्रस्ताव। शहर में संक्रमितों ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे के भीतर 5,852 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 89 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। मोमिनपुरा इलाके में कुछ लोग अब भी गंभीर नहीं। बिना वजह घरों से निकल रहे लोग, बंद जैसा नजारा ही नहीं, दुकानों के शटर अप डाउन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 3 गिरफ्तार। प्रतापनगर पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा। आरोपियों में दो किंग्स अस्पताल की मेल नर्स का समावेश। रेमडेसिविर कालाबाजारी रोकने बनेगा विशेष दस्ता। पुलिस ने फैलाया अपना नेटवर्क। 40 इंजेक्शन अब तक जब्त। 22 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। मंगलवार से शुरू होगा 18 से अधिक उम्र के लोगों का पंजीयन। वैक्सीनेशन का शुरू होगा चौथा चरण। लॉकडाउन की मार झेल रहे ऑटो रिक्शा चालक, टूट पड़ा रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन से होने लगी परेशानी। रेलवे परिसर और ट्रेन के अंदर की कार्रवाई। बिना मास्क वालों से रेलवे ने वसूला 62,759 रुपए का जुर्माना। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।